डिस्कस शुरू में किया गया था बाबू, पोजीशन बताया था, याद है? पोजीशन, पोजीशन जब पढ़े हम लोग, उसके बाद फिर क्या क्या कंसेप्ट आया था याद होगा आप लोगों को? हमने डिस्प्लेसमेंट बताया ना, और डिस्टेंस बताया था, डिस्टेंस बताया था, और फिर क्या, डिस्प्लेसमेंट बताया था। अच्छा, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी था ना, स्केलर क्वांटिटी था, और डिस्प्लेसमेंट क्या, वेक्टर क्वांटिटी था। याद करो, जब भी स्केलर होता है तो केवल मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट लेना है, और वेक्टर हो तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों को ढूंढना है ना। चलिए, अच्छा इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, याद कीजिए तो, स्पीड पढ़े थे, याद है? स्पीड कितने तरह का, दो तरह का ना, एक एवरेज स्पीड था बाबू और दूसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट से बढ़े आगे तो क्या पढ़ा हमने, याद होगा, वेक्टर क्वांटिटी था। उसके बाद याद कीजिए तो वेलोसिटी पढ़े हुए थे, याद है? वेलोसिटी, वेलोसिटी भी कितने तरह का बाबू, दो तरह का, कौन कौन सा, एक एवरेज वेलोसिटी और दूसरा कौन सा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। होगा, याद करो, डिस्टेंस का डायरेक्शन से कुछ लेना देना है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन से लेना देना था, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ, याद है ना, इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन। वेलोसिटी में अगर बात करो तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर, इनिशियल से फाइनल, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट स्केच कर देते थे उसी कर्व पे ना, उसी कर्व पे क्या करते थे, टेंजेंट स्केच कर देते थे। चलिए, अच्छा इसके बाद कंसेप्ट पढ़ा आगे तो हम लोग पढ़े एक्सलरेशन, पढ़े बताइए एक्सलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। एक्सेलेशन भी कितने तरह का आया, दो तरह का, कौन कौन सा बाबू, एक एवरेज एक्सेलेशन पढ़े और दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पढ़े। एक एवरेज एक्सेलरेशन था, दूसरा क्या था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था, यहीं तक चला था शायद ना, याद करो। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे थे, आर वेक्टर से, याद है? तो वेलोसिटी क्या आया था बाबू, dr/dt, यही ना वेलोसिटी, और उसके बाद एक्सेलरेशन क्या हुआ, इसी को फर्दर डिफरेंशिएट किया ना, ये वेलोसिटी आया था याद होगा, और उसके बाद फर्दर अगर इसको डिफरेंशिएट किए, a = dv/dt, तो क्या आया था, एक्सेलरेशन। सर यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे आप लोगों को, याद है ना? चलिए, अब कुछ बात पे गौर करना अच्छे से, किसी पार्टिकल को एक्सेलरेशन दिया गया है, वाकई में एक्सेलरेशन है उस पार्टिकल का, इसका मतलब क्या रहा होगा, आप उस पार्टिकल को फोर्स दिए होंगे ना, उस पार्टिकल को क्या दिया गया होगा, फोर्स दिया होगा, फोर्स क्या होता है, मास टाइम एक्सेलरेशन ना। तो याद करो, अभी हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग को इंटरेस्ट लेना ही नहीं है, बस अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन हुआ तो बस उसी को याद रखना कि एक्सेलरेशन पार्टिकल का हुआ, क्लियर है ना। चलो, याद करो, एवरेज एक्सेलरेशन का जिक्र चला था, एवरेज एक्सेलरेशन में हम लोग बात किए हुए थे, एवरेज एक्सेलरेशन की अगर बात कर रहे थे तो क्या था, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, और वेलोसिटी वेक्टर का चेंज मतलब क्या, याद कीजिए, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का मतलब क्या, ये क्या था, वेलोसिटी वेक्टर क्या, अगर बात करोगे तो ये इंस्टेंटेनियस का जिक्र करे हुए थे ना, ये क्या था, ये जो एक्सेलरेशन रहा, एवरेज वैल्यू रहा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस ना, एवरेज का जिक्र करा गया था, याद करो, एवरेज का कोई पार्टिकल था यहाँ पे, इसका वेलोसिटी कुछ रहा होगा, वेलोसिटी मान लेते हैं टाइम टी पे, कुछ दूर बाद चला होगा, पता नहीं कैसे चला 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 यहाँ पे आया, और इसका वेलोसिटी कितना हो गया, याद कीजिए, भी जो रहा वो डेल्टा टी टाइम के बाद इतना रहा, यही ना वेलोसिटी रहा होगा। तो पार्टिकल का पोजीशन यहाँ से यहाँ जाने में, देख रहे हो, यहाँ से यहाँ जाने में इसका वेलोसिटी चेंज कितना हो गया, तो आप एवरेज एक्सेलरेशन की अगर बात कर रहे थे, एवरेज एक्सेलरेशन यही आया था ना, भी व्हाट टी प्लस डेल्टा टी माइनस ऑफ वी टी अपॉन क्या डेल्टा टी, और यही होता था ना, और इसी को ना हम लोग एवरेज एक्सेलेशन बोले हुए हैं, दैट इज व्हाट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब इसी को हम लोग लिमिट ले लेते थे, क्या करते थे, लिमिट ले लेते थे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी,
क्या जाता था, डीबी अपॉन डीटी। ये सब चर्चा किया हुआ था यहाँ तक हम लोग। अभी 1D पढ़ रहे हैं, कैसा मोशन पढ़ रहे हैं, 1D मोशन अलोंग वन डायमेंशन, वन डायमेंशनल मोशन की स्टडी कर रहे हैं। तो वन डायमेंशनल मोशन की अगर स्टडी करोगे तो इसमें क्या सोचोगे जरा आप, वेलोसिटी जो रहा होगा वो किधर चल रहा होगा, एक एक्स एक्सिस के अलोंग ही चल रहा होगा ना। तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो पढ़े आप अभी, वो क्या था, डीबी अपॉन डीटी, अरे यही ना। तो ये जो बना होगा अगर 1D के अलोंग बात करेंगे तो इसको हम लोग सब्सक्रिप्ट कर सकते हैं ना जी, एक्स एक्सिस के अलोंग। याद करो कहीं पे भी चल रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वही कहीं भी कोई भी मोशन हो रहा है 1D, तो उसी के ना हम लोग क्या सेट कर दे रहे हैं, एक्स एक्सिस सेट कर दे रहे हैं। अरे क्लियर है। तो अगर मोशन इन 1D रहा तो उसको हम लोग कहीं पे भी अगर एक डायमेंशन के अलोंग मोशन हो रहा है तो उस एक्सिस को ही क्या मान ले रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस। उस एक्सिस को क्या मान ले रहे हैं हम लोग, एक्स एक्सिस। तो यहां से बहुत सारा कंक्लूजन निकाल सकते हो ना, ए इक्वल्स टू अगर आप डी वी बाई डी टी लिखे हो तो यहां से बहुत सारा चीज सीखा जा सकता है। एक्स लिख रहा हूं यहां पे ऐसे, और इस वेक्टर को हटा देंगे तो आ जाएगा, बताइए। तो एक्सेलरेशन का काम क्या है, एक्सेलरेशन क्या क्या कर सकता है, एक्सेलरेशन क्या क्या कर सकता है, एक्सेलरेशन किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है तो क्या क्या कर सकता है, एक्सेलरेशन क्या है और क्या क्या कर सकता है। तो याद रखना, अगर हम लोग मान लेते हैं थीटा, अगर हम लोग क्या मान लेते हैं थीटा, किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड व्हाट, एक्सेलरेशन वेक्टर। तो पॉसिबल केसेस क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकता है बाबू बताइए। बेसिकली तीन केस पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी। पहला केस कौन सा, केस वन, व्हेन थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अब देख सकते हो क्योंकि जाना पहचाना एग्जांपल है, इसलिए आप एक अर्थ के सरफेस पे हो, कहाँ पे खड़े हो जी, अर्थ के सरफेस पे। एक बॉल को फेंका गया ऊपर की ओर, एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं यू वेलोसिटी से, और एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे की ओर। कितना एंगल है इसके बीच बताइए जरा, 180 डिग्री। तो बताइए तो जरा क्या होता होगा, ये धीरे धीरे ऊपर जाता होगा, जाता होगा, जाता होगा, इसका वेलोसिटी घटता होगा और यहाँ पे जाकर के रुक जाता होगा, फिर यही ना रिट्रेस करता होगा अपना पाथ बाबू। अच्छा, एक को ऊपर से ही फेंका गया है, यहीं से फेंका गया, इसको नीचे को रिव्यू वेलोसिटी दिया गया है। ऑब्वियस एक्सेलेरेशन भी किधर रहेगा, नीचे की ओर ही ना रहेगा, एक्सेलेरेशन भी किधर रहेगा, नीचे की ओर ही एक्सेलेरेशन रहेगा। ये बताइए कैसे जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा ना, तो भी ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, ये क्या है, अर्थ का सरफेस के करीब बात कर रहे हैं ना। अच्छा, आप देखो सेकेंड केस समझाता हूँ, समझिएगा जरा। केस टू क्या हो सकता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री रह रहा है, एक इंस्टेंट के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, हमेशा 90 डिग्री रह रहा है। कैसे रह रहा है, हमेशा 90 डिग्री रह रहा है। आप बताओ तो हमेशा जब बॉल को फेंक रहे थे ऊपर, तो हमेशा यू और ए के बीच ना रहा 180 डिग्री बाबू, ऊपर से फेंक रहे हो तो पूरा थ्रू आउट मोशन ट्रेजेक्ट्री का जब तक मोशन हुआ, या बॉल का पूरा मोशन हुआ थ्रू आउट इट्स ट्रेजेक्ट्री, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री रहा कि नहीं। यहाँ पे थीटा हमेशा ना 180 डिग्री रहा, एक इंस्टेंट के लिए तो नहीं रहा ना, टॉप तक गया तो 180 डिग्री, फिर नीचे आते वक्त क्या रहा, 0 डिग्री रहा कि नहीं रहा। मतलब एक बॉल को ड्रॉप करा रहे हो आप, तो एंगल ए और यू के बीच कितना, 0 डिग्री। एक बॉल को ऊपर फेंक रहे तो एंगल कितना, 180 डिग्री, और थ्रू आउट ट्रेजेक्ट्री रहा, जब तक ये ऊपर ना पहुंच गया तब तक एंगल 180 डिग्री रहा, और ये जब तक नीचे नहीं पहुंच गया तब तक एंगल क्या रहा, 0 डिग्री ही ना रहा। बात समझ में आ रहा। अच्छा, एक ले लो आप, जैसे यहाँ पे इन्फॉर्म सर्कुलर मोशन ले लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, इन्फॉर्म सर्कुलर मोशन। आप बताइए इन्फॉर्म सर्कुलर मोशन हर जगह पे, हर इंस्टेंट पे, देखिए वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन तो मैं पहले भी बोला हूँ टेंजेंशियली ना होता है बाबू, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। एक्सेलेरेशन नीचे की ओर लग रहा है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर और नॉट, एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे भी आया तो ये भी किस स्पीड से चल रहा है, भी स्पीड से चल रहा है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर अलग अलग रहा होगा। अरे मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट रहा है, डायरेक्शन तो चेंज कर ही ना रहा है, तो अभी भी कितना एंगल रह रहा है, 90 डिग्री। कभी भी देखो आप, यहाँ पे भी वेलोसिटी वेक्टर क्या, v3, लेकिन मैग्नीट्यूड अभी भी v ही है, अभी भी कौन सा डायरेक्शन रहा होगा, मतलब ट्रेजेक्टरी कैसा रहा होगा,
इनफॉर्म सर्कुलर मोशन ही ना रहा होगा। बात समझ में नहीं आया? यहां पे क्या कर रहा है वेलोसिटी वेक्टर को, एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड घटा रहा है और बढ़ा रहा है। पहला में मैग्नीट्यूड को घटाया और दूसरे में मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है। यहां क्या कर रहा है वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कुछ नहीं कर पा रहा है, क्या कर रहा है केवल डायरेक्शन अल्टर कर रहा है। डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली। अच्छा क्यों नहीं कर रहा है बताइए, क्योंकि कोई कंपोनेंट नहीं ना है वेलोसिटी वेक्टर। आप बताइए पहले भी पढ़ा है तो कौन सा वेक्टर रिजॉल्व करते हैं हम लोग, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के नहीं पैरेलल होता है नहीं परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलेरेशन वेक्टर के बीच एंगल ही 90 डिग्री है, तो इसका प्रोजेक्शन स्केल हो तो जीरो, इसका भी प्रोजेक्शन स्केल हो जीरो ही ना होगा बाबू, तो रिजोल्यूशन तो होगा नहीं। अच्छा एक केस और आता है जब थीटा रहे, क्या रहा, व्हेन थीटा इज नॉट, थीटा इज नाइदर जीरो नॉर 180 डिग्री। थीटा क्या रहा, नहीं जीरो डिग्री और नहीं 180 डिग्री रहा, लेकिन 90 डिग्री एक इंस्टेंट के लिए, लेकिन हमेशा के लिए बात कर रहा हूं। व्हेन थीटा नहीं जीरो डिग्री रहा नहीं 180 डिग्री रहा, तब क्या हो जाएगा ट्रेजेक्ट्री। आप 180 डिग्री 90 डिग्री भी कंसीडर कर सकते हो, 90 डिग्री भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन एक इंस्टेंट के लिए। तो आप सोचो जैसे आपका सरफेस है, यहाँ पे आपका सरफेस, बहुत कुछ सिखला जाता है सब चीज अगर देखिएगा गौर से। तो ऐसे फेंका गया एक बॉल को किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से, कितना एंगल था थीटा। अब बताइए क्या करेगा ये जी, बताइए जरा, ऐसे जा करके यही ना होता है, ऐसे ही ना आता है ट्रेजेक्ट्री। याद करो तो पैराबोला पढ़े हो, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हो ना, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हैं ना आप लोग। तो अगर थीटा क्या रहा, नहीं जीरो डिग्री है नहीं 180 डिग्री नहीं 90 डिग्री, तो क्या करा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड भी चेंज करा वेलोसिटी वेक्टर का और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है कि नहीं। वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है बताइए। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो वेलोसिटी इसका सबसे कम होता है कि नहीं, याद कीजिए हाईएस्ट पॉइंट पर इसका केवल वेलोसिटी वी कॉस थीटा हो जाता है कि नहीं, मिनिमम यही ना होता है बाबू। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी, देख रहे हो कि नहीं, मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे आके भी कॉस थीटा हो गया। जैसे आप सोचो किस वेलोसिटी को घटा रहा होगा, ये वेलोसिटी का दो कंपोनेंट ना बाबू, एक इधर भी साइन थीटा और इधर कौन सा भी कॉस थीटा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर ही ना लग रहा है, तो भी साइन थीटा जैसे ऊपर जैसे जैसे जा रहा होगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है, तो इसको खत्म करता होगा ना हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे खत्म हो रहा था इसका वेलोसिटी की नहीं, तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसको वैनिश कर सकता है, केवल इसी कंपोनेंट को ना वैनिश कर सकता है, इसको तो वैनिश नहीं कर सकता, ये तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है ना, हमेशा क्या रहता है कॉन्स्टेंट ना रहता है। तो यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज करा और डायरेक्शन भी चेंज करा कि नहीं चेंज करा, तो यहाँ से कंक्लूजन निकल गया कि नहीं, अगर हमेशा एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलेरेशन वेक्टर अगर जीरो डिग्री या 180 डिग्री रहा तो केवल और केवल वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, अगर थीटा 90 डिग्री रहा तो केवल और केवल डायरेक्शन चेंज करेगा, और थीटा नहीं जीरो डिग्री हो नहीं 180 डिग्री और नहीं 90 डिग्री हो तो क्या क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। बात समझ में आया, डायग्राम बनाइए और लिखिए अच्छे से स्टार करके। तो देखो यहाँ पे क्या रहा, पता चला ना, थीटा अगर जीरो डिग्री है या 180 डिग्री है तो क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर केवल मैग्नीट्यूड अल्टर करेगा। लिखो इन दिस केस इसी तरफ ना, इन दिस केस ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर चेंजेज, कहीं पे भी चेक करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना। अभी तुरंत तुम लोग को पूछूंगा, तुम लोग बताते हो कि नहीं, यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होगा, मतलब केवल डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। लिखिए इन दिस केस ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर चेंजेज, डायरेक्शन ऑफ ओनली लिखवा रहा हूं ना, ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर चेंजेज, यहां पे क्या होगा बाबू, दोनों चेंज करेगा, ठीक है ना। लेकिन इन दिस केस थर्ड केस में ना, इन दिस केस बोथ, दिस वन इज केस थर्ड, क्या है केस थर्ड याद रखिएगा, इन दिस केस बोथ मैग्नीट्यूड
एज वेल एज डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ऑफ वेलोसिटी वेक्टर चेंज, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर चेंज, इज इट, दोनों चेंज करेगा। समझ आया, इसको याद रखिएगा हमेशा। अब बताओ तो जरा, कभी भी इस चीज को याद रखिएगा हमेशा, कभी भी अगर वेलोसिटी वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट को अल्टर कर सकता है, याद रखिएगा वेलोसिटी वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट अल्टर होता है, जो एक्सेलेरेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। वी कॉस थीटा का कुछ कर पाएगा ये जी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाबू, बात समझ में आ रहा है। वी साइन थीटा ही ना, गाढ़ा घटा या बढ़ा, घटता है या बढ़ता है, तो इस चीज को याद रखना, कोई प्रॉब्लम इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर आप लोग से पूछा जाए, बताइए जरा, एक्सेलेरेशन वेक्टर जो है वो 3i कैप प्लस 2j कैप है, और वेलोसिटी वेक्टर जो है वो मान लेता हूँ 30i कैप प्लस 20j कैप है, बताइए तो जरा ट्रेजेक्ट्री क्या होगा। शुभश्री, ट्रेजेक्ट्री क्या होगा? द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज 30i कैप प्लस 20j कैप, इज इट, एंड द एक्सेलेरेशन एक्टिंग ऑन दैट पार्टिकल इज 3i कैप प्लस 2j कैप, व्हाट विल द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल? स्ट्रेट लाइन होगा, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री है कि नहीं, दिख रहा है ना, बताया था ना, दोनों का रेशियो निकालना 3/30, 1/10, 2/20, 1/10 कांस्टेंट रहा था, 0 डिग्री रहा कि नहीं, तो केवल क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड, केवल वेलोसिटी वेक्टर का क्या चेंज होगा, मैग्नीट्यूड। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ ए वेक्टर ले लिया हमने, मान लेता हूँ 3i कैप माइनस 2j कैप, और वेक्टर बी ले लिया हमने, मान लेता हूँ समझाने के लिए, सॉरी वेक्टर ए नहीं बोलता हूँ, एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी वेक्टर ले लिया ऐसे समझाने के लिए केवल, और हमेशा ऐसा ही रह रहा है, मान लेता हूँ ये दे देता हूँ 2i कैप माइनस 3j कैप, अब बताओ दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच कितना एंगल हो गया, इसको माइनस कर देता हूँ और यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, अब बताओ दोनों के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री ना, माइनस थ्री सॉरी प्लस है, ऐसे कर देता हूँ, अब दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री ना, 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 6, 2 × 3 प्लस 6 ना, तो दोनों वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर रहा ना, समझ आ रहा है, तो अगर दोनों परपेंडिकुलर रहा और हमेशा दोनों वेक्टर के बीच एंगल इसी तरह का मेंटेन्ड है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री रहा, तो ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, इनफॉर्म सर्कुलर मोशन तो होगा, वो मतलब एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, पैराबोला होगा, ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, पैराबोला, ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, पैराबोला, लेकिन अगर बात करा जाए हमेशा अगर ये मेंटेन किया है तो कैसा रहा, सर्कुलर मोशन होगा ना, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर कोई दूसरा एंगल ले लेता हूँ, जैसे 3i कैप प्लस 2j कैप वेलोसिटी वेक्टर है, और एक्सेलेरेशन वेक्टर है मान लेता हूँ 4i कैप, अब बताइए एक्सेलेरेशन वेक्टर 4i कैप, अब कैसा ट्रेजेक्ट्री होगा, पैराबोला ही ना होगा, लगता है समझ में नहीं आया। मेरा कहने का मतलब ये है ना कि ये तो ठीक है, हमेशा ए थीटा 0 डिग्री हमेशा है, ए थीटा 90 डिग्री हमेशा है, और ए थीटा 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री के अलावा जो भी है 37 डिग्री हमेशा है, समझ रहे हो ना, तब ऐसा ट्रेजेक्टिव पैराबोला होगा और सर्कुलर मोशन होगा या सर्कुलर पाथ होगा और क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर किसी भी पार्टिकल पे कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, किसी भी पार्टिकल पे कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ट्रेजेक्टरी दो ही होगा, या तो स्ट्रेट लाइन या तो फिर पैराबोला। जैसे आप सोचो, मैं क्यों ऐसा समझा रहा हूं, कंफ्यूजन में नहीं रहना है ना, ये बिल्डिंग है आपका, मान लेते हैं छत पे हो, आप छत पे एक बॉल को ऐसे हिट किए, ऐसे बताइए बॉल को हिट किया बाबू यू वेलोसिटी से, अब बताओ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे ना है, तो ये ऐसे ही ना गिरता है, तो कैसा ट्रेजेक्टरी हुआ बताइए, पैराबोला ही ना हुआ। लेकिन अगर हमेशा अगर ऐसे फेंके हो ऐसे और ऐसे घूमने लगे ऐसे सर्कुलर पाथ में, तो इसका मतलब क्या, हमेशा वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलेरेशन वेक्टर के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री की नहीं, लेकिन एक इंस्टेंट पे अगर 90 डिग्री रहा तो ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, समझ में आया ना, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना, इसी चीज को क्लैरिटी के साथ लिखना है, लिखिए स्टार करके लिखना, व्हेन कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल, व्हेन कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल, ये सब किताब वगैरह से नहीं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, किताब में लिखा हुआ है सब नहीं मिलता, इसलिए आपको महसूस करना होगा ये सब चीज, व्हेन कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल, इट्स ट्रेजेक्ट्री विल बी आइदर स्ट्रेट लाइन
स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, इसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा? या तो स्ट्रेट लाइन या तो फिर पैराबोला। कोई पार्टिकल है, कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मतलब अभी एक्सेलेरेशन के टर्म से सोच रहे हैं ना, तो ट्रेजेक्ट्री क्या होगा? इफ कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल विल बी आइदर स्ट्रेट लाइन व्हाट? पैराबोला। कौन सा फोर्स? कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है। कौन सा फोर्स? कांस्टेंट फोर्स। कब ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन होगा बताइए? स्ट्रेट लाइन कब ट्रेजेक्ट्री होगा? थीटा जब 0 डिग्री और व्हाट? 180 डिग्री। थीटा क्या हो? 0 डिग्री या 180 डिग्री। पैराबोला कब होगा? जब थीटा ना ही 0 डिग्री होगा और ना ही 180 डिग्री होगा। तो कैसा हो जाए ट्रेजेक्ट्री बाबू? पैराबोला। समझ में आ रहा है ना? कोई भी ऐसा केस देख सकते हैं, जैसे ये वाला केस यही ना है। अच्छा अब बोलो कि सर ये वाला क्यों बताया है आप? तो मैं ये बार बोल रहा हूं, हमेशा बोल रहा हूं कि हर इंस्टेंट पे फोर्स रह रहा है। आप किसी वर्टिकल सर्कल में अगर बिल्ड करा रहे हो स्ट्रिंग में बांध करके किसी टाइनी स्फेयर को, तो आप हमेशा उस स्ट्रिंग को पकड़े हो। स्ट्रिंग को छोड़ दोगे तो क्या होगा? तो आपका फोर्स हमेशा चेंज ना कर रहा है। इसका मतलब क्यों चेंज कर रहा है फोर्स? अरे डायरेक्शन हमेशा चेंज ना कर रहा है, ऐसे ऐसे बिल्ड करा रहे हैं वर्टिकल सर्कल में। तो हमेशा देखो इसमें जो फोर्स लग रहा है, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इसी स्ट्रिंग के अलोंग ना है। इसको काट दो तो थोड़ा सा, तो हमेशा फोर्स चेंज कर रहा है कि नहीं? फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर के बीच हमेशा 90 डिग्री रह रहा है कि नहीं? बात समझ रहे हो? मतलब फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर के बीच हमेशा 90 डिग्री एंगल रह रहा है हर जगह। हर जगह यहाँ पे फोर्स मैग्नीट्यूड वही रहा होगा, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है कि नहीं जी? अभी फोर्स का डायरेक्शन इधर था, अभी फोर्स का डायरेक्शन इधर है, अभी फोर्स का डायरेक्शन इधर है। तो इधर मैग्नीट्यूड भी चेंज ना कर रहा है कि थीटा 90 डिग्री कब है? हमेशा के लिए, जब है एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। और ये कौन सा है याद रखिएगा? ये थीटा 0 डिग्री एक इंस्टेंट के लिए और यहाँ पे भी एक इंस्टेंट के लिए। तो अगर 90 डिग्री भी रहेगा तो ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा? याद रखिएगा पैराबोला। कैसा होगा? पैराबोला। और ये क्या रहा? स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? तो बगैर बनाए हुए बहुत कुछ जवाब दे सकते हो आप लोग। अब पता चल गया ना? ट्रेजेक्ट्री बताइए तो जरा जल्दी जल्दी देखें। 3i कैप + 4j कैप है और मान लेता हूँ वेलोसिटी वेक्टर है, समझाने के लिए ही ले रहा हूँ, कुछ भी ले लो। 4i कैप - 10j कैप या 10j कैप, बताओ ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा? तुम लोग वेक्टर पढ़े हो इसीलिए तुम लोग से पूछा जा रहा है ज्यादा। वेक्टर पढ़े हो अच्छे से ना तुम लोग? अब बताओ ट्रेजेक्ट्री कैसा? पैराबोला। नहीं दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री दिख रहा है, नहीं 180 डिग्री दिख रहा है। 0 डिग्री 180 डिग्री तो चेक कर लेते हैं ना हम लोग। कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या हुआ? जैसे कांस्टेंट फोर्स लिख रहा है, फोर्स तो फोर्स क्या है बाबू? वेक्टर क्वांटिटी ना है। तो वेक्टर का दो चीज ना, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड भी और क्या? डायरेक्शन भी। तो बताइए फोर्स को अगर कांस्टेंट रखना है तो इसका मैग्नीट्यूड भी ना कांस्टेंट होना पड़ेगा। अगर फोर्स को आप बोल रहे हो कि ये कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट है। आप ऐसे बोल रहे हैं कि फोर्स कांस्टेंट है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ना कांस्टेंट होना पड़ेगा और डायरेक्शन को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, तभी ना दोनों कांस्टेंट रहेगा, तभी ना फोर्स कांस्टेंट बोलोगे। यहां पे बताओ फोर्स भी कांस्टेंट था और फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट था, डायरेक्शन भी कांस्टेंट था कि नहीं? हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा है, लेकिन यहां पे फोर्स कांस्टेंट है क्या? डायरेक्शन डिफर कर रहा है कि नहीं? हर जगह देख रहे हो कि नहीं? हर जगह देखो, बोतल को फील्ड करा रहे थे वर्टिकल से, इधर था यहाँ पे टॉप पे, इधर था इधर, इधर था जब नीचे जाता, ऊपर था कि नहीं? और यहाँ पे क्या एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट है कि नहीं? चाहे आप बॉल को कहीं पे भी फेंको, आप फेंको, मैं फेंकू, या फिर कोई रात में फेंके या कभी भी फेंके, हमेशा एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू यही ना रहेगा? ऐसा तो कोई स्विच नहीं ना है जी कि रात के 12 बजे के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम हो जाता है, ऐसा कुछ टाइम है क्या? आप किसी को भी फेंको, मैं फेंको, मुकेश अंबानी फेंके, या करके बिल गेट्स फेंके, कोई भी फेंकेंगे तो अर्थ नीचे की ओर ना ले जाएगा जी? किस एक्सेलरेशन से? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे वही ना, यही चीज समझाना चाह रहा है। अब बोलो कि सर ये सब क्यों समझाया जा रहा है?
देखो अगर ये सब समझ गए ना तो क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका ही बदल जाएगा, आप लोग का तेवर ही बदलेगा और बहुत आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। ये सब समझ आया अच्छे से? इसमें अगर कोई डाउट है तो बोलो, तो लोगों का डाउट आएगा ही, अभी डाउट आएगा। लिखो, मान लेते हैं बाबू ऐसे, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और इस पर जो है एक एक्सेलरेशन है, ये है मान लेते हैं एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, यहाँ 37 डिग्री एंगल बनाया है। एक पार्टिकल पे वेलोसिटी क्या है बाबू? उस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना इंपार्ट किया गया है? 20 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन ड्यू टू, सॉरी, कोई भी एक एक्सेलरेशन है जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन लिखिए तो फाइंड द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, फाइंड द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी, फाइंड द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी एज शोन इन फिगर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, या फिर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज शोन इन फिगर, फाइंड द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पार्टिकल एज शोन इन फिगर। अब क्या पूछा है? मिनिमम वेलोसिटी 20 पूछा गया है, मिनिमम वेलोसिटी कितना होगा पार्टिकल का। मैं क्या बोला आपका भी आप सोचो जरा, आप लोग खुद एहसास करते हो ऐसा चीज। जैसे देखो ना, आप छत पे हो जी, आपका ये छत है, मैं मान लेता हूँ ऐसे ओपन छत है, ठीक है, एक बॉल को फेंक रहे हो ऐसे, आप ऐसे एक बॉल को फेंके ना, आप बॉल कैसे जाएगा? देखो तो ऐसे जा करके ऐसे ही ना आता है, ऐसे जा करके देखो ऐसे जा रहा होगा, फिर उसके बाद ऐसे जा करके फिर ऐसे ही आता होगा कि नहीं आता होगा? अरे वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज वांट्स टू अटेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर और नॉट? वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज वांट्स टू अटेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर और नॉट? एक बॉल को फेंको तो किधर आ रहा है? अर्थ की तरफ आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ना, तो फोर्स का डायरेक्शन है। वेलोसिटी वेक्टर का चाहत क्या होता है कि हम लोग एक्सेलरेशन वेक्टर की तरफ जाना है। किधर जाना है? एक्सेलरेशन वेक्टर की तरफ जाना है। आप बताओ जब वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर के पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है, दोनों के बीच थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री, तो मैग्नीट्यूड अल्टर करता है ना। लेकिन जब थीटा 90 डिग्री होता है तो क्या करता है? केवल डायरेक्शन अल्टर करता है। और अगर वो रहा क्या रहता है, ऑब्लिक रहा है, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर का दोनों अल्टर होगा। अरे यही ना होगा? तो आप सोच करके देखो, वेलोसिटी वेक्टर को अगर बात करते हैं आप यहाँ पे, तो याद रखिएगा हमेशा किसको रिजोल्व करोगे? वेलोसिटी वेक्टर को रिजोल्व कर दो आप। तो वेलोसिटी वेक्टर को रिजोल्व करोगे तो एक तो इसका ए वेलोसिटी वेक्टर का एक रिजोल्यूशन किए तो एक परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन वेक्टर होगा। ये क्या हो गया बताइए? 20 cos 37 डिग्री होगा, पढ़ाएगा रिजोल्यूशन ना। और एक इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 20 sin 37 डिग्री होगा कि नहीं? होगा कि नहीं बाबू? अरे यही दो हो ना, दो होगा। अब बताओ इसका, देखो इसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड का दो कंपोनेंट, एक 20 sin 37 और एक 20 cos 37 डिग्री रहा, तो बताओ एक्सेलरेशन वेक्टर इसी को ना खत्म कर सकता है जी? अरे यार एक्सेलरेशन वेक्टर इसी को ना खत्म कर सकता है, इसको कुछ कर सकता है क्या? क्योंकि ये तो एक्सेलरेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर ना है, तो ये वाला तो बचा ही ना रह जाएगा, इसी को ना जीरो कर सकता है। अभी भी नहीं समझ में आया? तुम लोग को इसलिए समझाया जा रहा है बार बार क्योंकि तुम लोग पढ़े हो इस चीज को। बताओ 20 cos 37 का वैल्यू कितना? 20 cos 37 का वैल्यू, cos 37 का वैल्यू बताओ जी बाबू, क्या नाम बताया था आप अपना? हाँ सारा बताओ, cos 37 का वैल्यू बताओ। नीट का एग्जाम दी थी, कितना मार्क्स आया था? 406, तो अच्छा मार्क्स तो आ ही रहा था, ध्यान दो। अच्छा चलो, ये ट्रेंगल याद रख लेना ना, ये 37 डिग्री है और ये कितना होता है? 53 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है ही ना। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रेंगल इज 180 डिग्री। ये ट्रेंगल हमेशा याद रखिए, इसका वैल्यू 3 यूनिट, इसका 4 यूनिट, इसका 5 यूनिट, रेशियो यही होता है। ये 3x पे 4x, तो 5x, ये 3y तो 4y, तो 5y, यही रेशियो रहता है। तो अगर cos 37 का पूछे वैल्यू, तो cos 37 इक्वल्स टू व्हाट? b/h ना, 4/5 ना, तो क्या हो गया? 4/5। ये ट्रेंगल लिख लीजिए आप जल्दी, क्या हो गया ये? 4/5, तो कितना हो गया? 16 मीटर पर सेकंड हुआ जी। शुभश्री, अरे हुआ। अब बताओ ये 20 sin 37 कितना हो गया बताइए जरा?
साइन 37 का वैल्यू 3/5, बताइए 12 मीटर पर सेकंड हुआ क्या? अब बताओ ए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसी को ना खत्म कर सकता है? कितना सेकंड में खत्म करेगा? 1.2 सेकंड में नहीं खत्म कर देगा। अरे 10 मीटर पर सेकंड है तो 1.2 सेकंड में खत्म हो जाएगा कि नहीं? वेलोसिटी खत्म, जीरो। लेकिन ए वाला 16 मीटर पर सेकंड कोई कुछ कर पाएगा एक्सेलरेशन वेक्टर? तो ए वाला अगर जीरो हो गया तो अभी भी मिनिमम कितना होगा? भी मिनिमम जो होगा आंसर आएगा कि नहीं? 16 मीटर पर सेकंड, इस यही आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे नया चीज बताएगा, नया चीज कुछ नहीं बताएगा। देखो ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से देखना, एक बॉल को फेंकती थी, याद होगा तब ना, प्रोजेक्टाइल पढ़ाए हैं आप लोग, पढ़े ना पहले भी। मान लेते 37 डिग्री था, क्या था? 37 डिग्री था। एक बॉल को अर्थ सरफेस से फेंकते हो आप, याद करो अर्थ के सरफेस के करीब से फेंक रहे हैं, किस वेलोसिटी से फेंक रहे हैं जी? 20 मीटर पर सेकंड से। अच्छा जी, याद करो, तो तुम लोग को पढ़ाया गया होगा, याद करो, इसको फेंकते हो तो जाते 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 हाईएस्ट पॉइंट पे इसका वेलोसिटी मिनिमम होता है कि नहीं? होता है, पढ़ाया गया ना, अभी जस्ट बताया अभी तो। वो कितना होता है? वी कॉस 37 ना, वी कॉस थीटा ही ना, तो वी कितना है? 20, और कॉस 37 का वैल्यू कितना है जी? कॉस 37 का वैल्यू 4/5 ना, क्या हो गया? 4/5, बताइए कितना हो गया? 5 से 4 टाइम्स कैंसिल हुआ क्या? बोलिए कितना हो गया? 16 मीटर पर सेकंड हुआ क्या? तो 16 मीटर पर सेकंड को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कोई फर्क पड़ता है क्या? ये थ्रू आउट हमेशा सेम रहता है कि नहीं? यहाँ पे भी 16 मीटर पर सेकंड, ग्राउंड में स्ट्राइक करते तो भी 16 मीटर पर सेकंड, हर जगह 16 मीटर पर सेकंड। अरे 16 मीटर पर सेकंड ही नहीं इसको आगे को यहां से यहां ले जाता है इसको बाबू, ये वाला तो ऊपर केवल हाइट ना देता है, ये वाला जो कंपोनेंट होता है, ये जो कंपोनेंट था जो 20 sin 37 है, वो केवल ऊपर में ले जाता है, ऊपर ले जाता है नीचे लगता है, इसीलिए तो धीरे धीरे जाकर के यहाँ घट जाता है, यहाँ खत्म हो जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पे खत्म, तो फिर बेचारा नीचे गिरने लगता है। बात नहीं समझ आया? तो वहां पे भी क्या करते थे हम लोग, भी मिनिमम निकालने के लिए क्या करते थे आप, याद रखे, ये वाला ना इसको जीरो कर सकता है। मान लेते हैं आप सोचो ना जी, जा रहा यहाँ पे, मान लेते हैं आपका 10,000 रुपया बैंक बैलेंस है, घर पे फादर भेजे हुए हैं आपको 10,000 के अमाउंट भेजे हुए, ठीक है। चलिए आप मार्केट घूमने निकल गए, गलती से छूट गया 3,000 घर पे और 7,000 यहाँ पे, तो आप चाहे कुछ भी मेहनत कोशिश कर लीजिए तो आप जितना भी खर्च कर सकते हो 7,000 ही ना खर्च कर पाइएगा, 3,000 तो आपका बैंक बैलेंस रह ही जाएगा ना, इसको कोई अल्टर नहीं ना कर पाएगा, क्योंकि उस इंस्टेंट पे मार्केट में है आपका ये अमाउंट घर में रखा हुआ है, पर्स में रखा हुआ, तो बचा ही ना रह जाएगा। कितना मिनिमम अमाउंट कितना बचा सकते हैं आप? मिनिमम अमाउंट इतना तो बचेगा ना, आप ज़्यादा खर्चा जितना भी खर्च करना चाह सकते हो तो यही ना खत्म होगा जी। तो वेलोसिटी वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी वेक्टर का दो कंपोनेंट, एक एक्सेलरेशन वेक्टर के परपेंडिकुलर और एक एक्सेलरेशन वेक्टर के पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो अगर एंटी पैरेलल अगर हो गया तो इसी को ना केवल 20 मीटर पर सेकंड, शायद कितना है, 12 मीटर पर सेकंड आया है ना, तो 12 मीटर पर सेकंड को ही ना खत्म कर सकता है ये वाला, इसके साथ तो कुछ नहीं ना कर पाएगा 16 मीटर पर सेकंड के साथ बाबू। ए तो मिनिमम वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। मान लेता हूँ ये समझाने के लिए, केवल ये 50 मीटर पर सेकंड है, राइट, 50 मीटर पर सेकंड। अच्छा और ये पार्टिकल पे एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, मान लेता है 20 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, एक 53 डिग्री। अब इस पार्टिकल का मिनिमम वेलोसिटी बताइए, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल During its entire journey। याद रखिएगा यहाँ पे acceleration 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, पार्टिकल का acceleration इस पर जो एक्ट कर रहा है वो कितना एक्ट कर रहा है acceleration बाबू? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड 50 मीटर पर सेकेंड। तो रिजॉल्व करने तो आता है ना, ये जिसको जिस वेक्टर को रिजॉल्व करते, देखो आप जिस वेक्टर को रिजॉल्व करते हो बीच में रहता है ना, तो एक इधर चला जाएगा, एक कौन सा होगा? वी कॉस 30 कॉस 53 डिग्री, और एक इसके परपेंडिकुलर होगा, कौन सा होगा? वी साइन 53 डिग्री। कोई बात नहीं, अब बताइए वी कॉस 53 का वैल्यू कितना? वी कितना है? 50। कॉस 53 का वैल्यू देखिए, कॉस 53 का वैल्यू बताइए इशारा, अब ये भी गड़बड़ है तो गड़बड़ बात है, बताओ एलिस बताओ कॉस 53 का वैल्यू बताइए। कॉस 53 एंगल ऑफ रेफरेंस ही ना हो गया,
इसके लिए पर बेस ए वाला 3 और हाइपोटेनस 5 ना, तो 3/5 कोई प्रॉब्लम। तो कॉस 53 का वैल्यू याद रखिए 3/5, तो कितना होगा 5 × 10 = 30 मीटर पर सेकंड हो गया ना इधर। अच्छा और इधर कितना होगा बताइए, वी साइन 53। आप बताओ फिर से साइन 53 का वैल्यू बताओ, साइन थीटा पी बाई एच ना, तो साइन 53 ये है। इसके लिए परपेंडिकुलर ये ना बाबू 4 और 5 ना, 4/5 ना, 4/5 तो क्या हो गया 5 × 10 ये 40 मीटर पर सेकंड हो गया बाबू। तो बताइए किसको खर्च कर सकता है 30 मीटर पर सेकंड को, क्योंकि यही ना दोनों के बीच 180 डिग्री एंगल है, तो 30 मीटर पर सेकंड खत्म हो सकता है, लेकिन 40 मीटर पर सेकंड तो सेफ रहेगा ना, वो तो सेफ है ना, उसको उसके साथ एक्सेलरेशन वेक्टर कुछ कर सकता है क्या नहीं, तो भी मिनिमम क्या हो जाएगा बाबू, भी मिनिमम विल बी व्हाट 40 मीटर पर सेकंड। समझ आया, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग, तो याद रखिएगा, नोट करके एक लाइन लिख लो, वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज वांट्स टू अटेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज वांट्स टू अटेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर। चलो लिखो देख क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड v, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड v, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड v, विथ यूनिफॉर्म स्पीड v, फाइंड विथ यूनिफॉर्म स्पीड v, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड v, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर व्हेन इट हैज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हेन इट हैज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, व्हेन इट हैज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एक पार्टिकल है देखो यहाँ पे, इसलिए चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बता दिया, क्योंकि अगर एवरेज एक्सेलरेशन पूछेगा तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट टाइम से डिवाइड कर दोगे, यही है ना जी। किस स्पीड से जा रहा है, वी स्पीड से, किस स्पीड से, अब यहाँ पे टी कोस टू जीरो पे था समझाने के लिए केवल, या टी कोस टू टी ले लो ना, चलो यहाँ पे पहुंच गया, मान लेता टी कोस टू कितना टाइम हो गया ये, ए तो टाइम हो गया वो कितना हो गया टी प्लस डेल्टा टी। अब यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्या रहा होगा, वेलोसिटी वेक्टर तो हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग ही रहता है ना बाबू, यही ना रहा होगा वेलोसिटी वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर रहा वी एफ, और ये कौन सा वेक्टर है वी आई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना थीटा, क्लियर है। तो आप बताइए वी एफ फाइनल वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी सब क्या है वी के बराबर ही ना है, यूनिफॉर्म स्पीड है ना। अब बताइए थीटा, याद करो वेक्टर का डिफरेंस पढ़ाया गया था वहां पे, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है, डेल्टा वी वेक्टर इक्वल्स टू क्या वी एफ माइनस वी आई, इसी का ना मैग्नीट्यूड, दैट इज इक्वल्स टू 2v साइन थीटा बाई 2 और नॉट, हैव इट आउट टू दैट कांसेप्ट और नॉट, अरे बाबू पढ़ाया हो ना, कोई दिक्कत, तो आप बता सकते थे इस दौरान एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, आप आराम से निकाल सकते हैं ना, एवरेज एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, याद कीजिए बाबू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, अरे यही ना, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड के लिए ऐसे कर देंगे, ऐसे लिख सकते हैं ना डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, कोई दिक्कत नहीं। बताइए डेल्टा वी कितना आया है, साइन थीटा बाय अपॉन ये वाला डेल्टा टी कितना टाइम, डेल्टा टी ही ना है, हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत है, कॉपी कर लो, चलो इसको करो तो एक बार क्वेश्चन एक एग्जांपल ले लो और बना करके बताओ जरा, लिखो अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ स्पीड, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड फुल स्टॉप,
फाइंड द एवरेज एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द एवरेज एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड द एवरेज एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट हैज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हेन इट हैज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बाई थ्री इन फर्स्ट फोर सेकेंड, इन फर्स्ट फोर सेकेंड याद रहेगा, फर्स्ट फोर सेकेंड में बात करा गया है। फर्स्ट फोर सेकेंड का मतलब 0 to 4 सेकेंड। तो आप आराम से निकाल सकते हैं एवरेज एक्सेलेरेशन है जी। एवरेज एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा बताइए, 2v sin θ/2 अपॉन क्या बोला गया है बाबू, डेल्टा टी, यही ना। बताओ कितना एंगुलर पोजीशन चेंज हो रहा है, थीटा किसके बराबर बोल रहा है क्वेश्चन में, 60 डिग्री बोल रहा है क्या, तो 60 डिग्री। और कितना टाइम लगा, टी इक्वल टू यहाँ पे कितना था टाइम, कितना 2 सेकंड बोला है क्या, फर्स्ट 6 सेकंड या फर्स्ट 4 सेकंड, फर्स्ट 4 सेकंड मतलब 0 सेकंड से लेकर के कहाँ तक गया है, 4 सेकंड तक, यही ना हुआ होगा। अब बताइए जरा, ये टू तो टू, टू तो टू ही रहा, वी का वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है क्या, 20। साइन ऑफ पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री बोले तो 60 डिग्री ना, तो क्या हुआ पाई बाई सिक्स हो गया ना, पाई बाई थ्री अपॉन टू पाई बाई सिक्स, और डेल्टा टी कितना है 4 सेकंड, देख रहे हो 4 सेकंड है कि नहीं बाबू, 4 सेकंड। तो क्या हो जाएगा 40 × 1/2 sin 30 पाई बाई सिक्स का वैल्यू हाफ होता है अपॉन 4, तो क्या हो गया 2 से 20 times कटा गया, तो क्या 20/4 5 m/s² नहीं हो गया एवरेज एक्सेलरेशन बाबू, समझ आया। तो अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो दिक्कत होगा, और पढ़ा हुआ है तो सब चीज़ ठीक ठाक याद रहेगा, 5 m/s² होगा क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन जो रहा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन कौन सा एक्सेलेरेशन बाबू, ए इंस्टेंटेनियस, बताया हूँ एक्सेलेरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, ये किसके बराबर रहा, dv/dt। अरे यही ना, अब हमेशा ए इंस्टेंटेनियस नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, तो उस पर याद रखना एक्सेलेरेशन अब हमारे लिए क्या रहा, dv/dt। अब याद करो हम लोग का जो चलने का तरीका है वो याद रखना, एक तो इंटीग्रल फॉर्म के साथ चलते हैं, एक डिफरेंशियल फॉर्म के साथ चलते हैं, लास्ट क्लास में भी बताया गया था याद है। तो अगर डिफरेंशियल फॉर्म के साथ चलेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस के साथ, तो आपको पता ही चलेगा, बताइए a इक्वल टू अगर dv/dt लिखे हैं इसका मतलब क्या, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स द एक्सेलेरेशन और नॉट, पता चला, यहाँ पे बताओ वेलोसिटी जो होगा क्या होगा, पहला बात यहाँ से देखो, यहाँ समझना है, यहाँ से भी सोचना चाहता है, दो तरह से सोचते हैं याद है ना, बताइए वेलोसिटी किसका फंक्शन होगा, या तो टाइम का फंक्शन होगा या तो फिर कांस्टेंट होगा, टाइम का फंक्शन होगा या तो फिर कांस्टेंट होगा। अच्छा एक हमारा तरीका है, एक ये भी तरीका से हम लोग पढ़े हुए हैं, याद करो यह क्या होगा, यहां से पढ़ सकते हैं a इक्वल टू dv/dt मतलब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, स्लोप ऑफ vt कर्व, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम गिव्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, गिव्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, क्या देता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो ना जरा, पढ़ाया हुआ है इसको तो अलग से भी पढ़ाया जाएगा लेकिन अभी भी समझना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेता हूँ वेलोसिटी दे दिया, क्या दिया वेलोसिटी, छोड़ो ना वेलोसिटी नहीं, पोजीशन से चलते, एक्स दिया, एक्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम, बोल दिया tq + t² + 40 + t, याद कीजिए पहला बार जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी देता है क्या, अरे देता है, तो पहले बार डिफरेंशिएट किया हमने dx/dt तो क्या दिया जी, वेलोसिटी देगा, वो कितना हो जाएगा tq का डिफरेंशिएशन, अभी बोलने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे x मीटर में है और t टाइम इन सेकेंड है, t टाइम इन सेकेंड है, तो बताइए dx/dt डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 3t² होगा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा 2t होगा, ये क्या 4 हुआ क्या, अरे कोई प्रॉब्लम। अब फिर से अगर डिफरेंस याद करा, पॉइंट क्या था, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है कि नहीं अभी, अरे वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है ना रे डमरू लोग, बताओ तो 0 सेकंड पे कितना वेलोसिटी है सुप्रिया, 0 सेकंड में कितना पार्टिकल का वेलोसिटी, गुड, आप बताइए 1 सेकंड में पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, 3 × 1² 3
प्लस 2 × 1 5 और 4 9 मीटर पर सेकंड ना, पुट तो करना था, 2 सेकंड पे बता सकते हैं। क्या करेंगे 3 × 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2 प्लस 4, तो 4 × 3 = 12 प्लस कितना 4 × 2 = 8, ये 24 नहीं हो गया? तो अभी भी ये टाइम का फंक्शन है तो दिख भी रहा है, तो एक्सेलेरेशन हम निकाल सकते हैं कि नहीं। एक्सेलेरेशन अगर बोल देगा तो क्या करोगे, dv/dt, तो एक्सेलेरेशन अगर dv/dt करोगे तो क्या फिर से डिफरेंशिएट किया 60 हो गया प्लस 2 हो गया कि नहीं, पता चला या नहीं चला? अब बताओ जी श्रेया, एक्सेलेरेशन द पार्टिकल t cost 0 सेकंड, t cost 2 ना, 6 × 0 प्लस 2 m/s² एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल t cost 1 सेकंड कितना, हाँ हो गया ना, एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल t cost 2 सेकंड आ गया। बस यही कोशिश करना, और कुछ कोशिश करने की जरूरत नहीं, बस जो बताया जा रहा वही सीखिए, तो एक पे तरीका रहा। दूसरा बोल रहा है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम गिव्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, तो याद कीजिए वेलोसिटी टाइम कर्व बताया हुआ था ना, मैं बहुत बार डिस्कस करा हूँ ये सब चीज, याद कीजिए। ये लेते हैं हम लोग, यहाँ पे वेलोसिटी दिखलाया और यहाँ पे क्या टाइम दिखला रहे, टाइम किस में मीटर पर सेकेंड में, और बार बार बोलने की जरूरत नहीं कि अब हम लोग 1D ही पढ़ रहे हैं अभी। तो अगर पार्टिकल ऐसे चला, देखो ऐसे चल रहा है, ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला और ऐसे चला, याद को मैं मोस्ट जनरल कर्व है, इसमें सारा केस आ जाता है। मान लेता टाइम सेकेंड है, बोल देता हूँ 4 सेकेंड है, टाइम किस में है सेकेंड में, टाइम किस में है सेकेंड में, वेलोसिटी किस में है मीटर पर सेकेंड, ये 4 हो गया 8 हो गया, ये कितना हो गया 18 हो गया, और ये कितना है 14, समझाने के लिए केवल ये मान लेता हूँ, मैं बोल दिया 20, ये कितना बोला 20 और ये कितना हो गया 40। याद करो स्लोप पढ़ाया गया है, निकालना स्लोप निकला सिखाया गया है ना, स्लोप पढ़ाया गया है, तो बताओ ये ओरिजिन रहा, बताओ जरा, मैं बोलूं 0 से 4 सेकंड तक पार्टिकल एक्सेलेरेट किया है डिसेलेरेट करा है, एक्सेलेरेट करा है, क्यों एक्सेलेरेट करा है, क्योंकि देखो वेलोसिटी टाइम का कर्व का स्लोप जो देता है वो कितना देता है, स्लोप क्या देता है एक्सेलेरेशन देता है, ये वेलोसिटी टाइम कर्व ही ना है। तो बताओ 0 से 4 सेकंड तक पार्टिकल का एक्सेलेरेशन कितना रहा जी सुप्रिया, आज समझ में आया, स्लोप निकालने आता है ना, स्लोप निकालने आता है ना श्रेया, याद करो किसी भी पॉइंट का स्लोप अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, याद कीजिए इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2 है, तो स्लोप निकालने के लिए लिखना होगा ए बी का स्लोप निकाल रहे हो तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y2 - y1 / क्या x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखते हैं, यही नहीं लिखते हैं भाई स्लोप निकालने के लिए, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0, 0, इसका कोऑर्डिनेट कितना 0, 4, 20 इसका कोऑर्डिनेट कितना 8, 20 पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, इसका कोऑर्डिनेट कितना 10, 40 और इसका कोऑर्डिनेट कितना 14, 0 अरे है ना, तो बोलेगा इसका स्लोप तो क्या करोगे 20 - 0 / 4 - 0 तो 5 m/s² नहीं हो गया, तो बताइए 0 से 4 सेकंड तक इस पार्टिकल का एक्सेलेरेशन जो पार्टिकल चल रहा होगा जिसका कर्व दिया है वेलोसिटी टाइम कर्व जिस पार्टिकल का दिया है उसका क्या रहा 5 m/s² नहीं रहा। अब बता 4 से 8 सेकंड तक क्या रहा 0 नहीं रहा स्लोप क्योंकि 20 - 20 0/8 - 4 तो 0/ कुछ भी फाइनाइट और 0 ही ना, तो 4 सेकंड से 8 सेकंड तक पार्टिकल का वेलोसिटी क्या रहा, हे भगवान पार्टिकल का वेलोसिटी 20 m/s रहा, एक्सेलेरेशन 0 रहा, एक्सेलेरेशन क्या रहा 0, उस दौरान गाड़ी का एक्सेलेरेटर यूज नहीं करा गया, क्लियर है। अच्छा 8 सेकंड से 10 सेकंड तक बताइए क्या रहा, एक्सेलेट करा ना, कितना स्लोप रहा निकाल सकते हैं ना 40 - 20 20/10 - 2 तो 10 m/s नहीं हो गया जी, तो 10 m/s² से नहीं यहां से एक्सेलेरेशन हुआ, बोलो ना रे बाबू 40 - 20 20 8 - 10 - 2 ना 20 m/s². अच्छा अब बताओ यहां पे क्या हो, रिटार्ड करने लगा मतलब डिसेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी 0 हो गया, देख रहे हो यहां से आने के बाद वेलोसिटी 14 सेकंड पे 0 हो गया कि नहीं, कितना सेकंड है 10 सेकंड पे मतलब 10 सेकंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी 40 m/s था और 14 सेकंड में पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो गया कि नहीं, 0 हो गया, तो इसका मतलब यहां रिटार्डेशन हुआ ना, नेगेटिव एक्सेलेरेशन हुआ कि नहीं हुआ, निकाल के देख सकते हैं आप 40 - 0 40 और 10 - 14 तो 40/-4 तो -10 m/s² रहा ना, माइनस साइन खुद क्या बतला रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है, तो यहाँ क्या रहा इसका एक्सेलेरेशन -10 m/s² रहा, क्या रहा यहाँ कितना रहा बताइए 40 - 20 20/2 तो 10 m/s² यहाँ पे एक्सेलेरेशन 0
जीरो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि नहीं। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व एक्सेलरेशन देता है ना। तो बोलता है 0 से 4 सेकंड तक पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलता है 2 सेकंड पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 0 सेकंड से 4 सेकंड तक पार्टिकल का एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है क्या, वो तो कॉन्स्टेंट है, स्लोप कॉन्स्टेंट है ना बाबू, पता नहीं। 4 to 8 सेकंड क्या हो रहा है, पार्टिकल का वेलोसिटी 0 नहीं, वेलोसिटी 20 लेकिन एक्सेलरेशन 0, चेंज ही नहीं कर रहा है। बोलता 5 सेकंड पे बताओ, 5.3 सेकंड पे बताओ एक्सेलरेशन कितना है श्रेया, अरे सारा बताओ पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है, गुड। आप बताइए श्रेया 8.5 सेकंड में बताइए पार्टिकल का वेलोसिटी कितना, 8 सेकंड पे, हाँ गुड। 8.5 सेकंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना, वेरी गुड। 9.5 सेकंड में पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना, वेरी गुड। आप बताइए बाबू एलिश बताइए 12 सेकंड पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना, 12 सेकंड ही ना रहा है, 10 सेकंड और 14 सेकंड के बीच ना आ रहा है। आप बताइए -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है कि नहीं, बोलना सीखिए। 12 सेकंड पे पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया ना। तो स्लोप वेलोसिटी टाइम करो क्या देता है, एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम क्या देगा, एक्सेलरेशन। और जब भी पोजीशन टाइम का फंक्शन होगा तो एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या देगा, वेलोसिटी। जब भी पोजीशन जो हो टाइम का फंक्शन हो तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या देगा, वेलोसिटी। और दोबारा डिफरेंशिएट करो तो क्या देगा, वो एक्सेलरेशन। बात समझ में आ रहा है, इसीलिए बोला है कि तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होना चाहिए तो कॉन्स्टेंट होना चाहिए। किससे चले हम लोग, डिफरेंशियल फॉर्म से, किससे, डिफरेंशियल फॉर्म से। इंटीग्रल फॉर्म में अगर चलते, इंटीग्रल फॉर्म में चलते, अगर इंटीग्रल पॉइंट ऑफ व्यू से चलते, इंटीग्रल इफ कैलकुलस यूज करते तो दो चीज आता। पहला चीज क्या आता बताइए, डीवी इक्वल्स टू क्या आता, ए डी टी। अरे आया, डीवी इक्वल्स टू व्हाट, ए डी टी। एक्सेलेरेशन टाइम का फंक्शन हो गया तो कांस्टेंट होगा। तो अगर एक्सेलेरेशन टाइम का फंक्शन या कांस्टेंट रहेगा तो चेंज इन वेलोसिटी देगा कि नहीं बाबू, डीवी क्या देगा। जैसे डीवी इक्वल्स टू लिख सकते हैं ना, ए इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, तो डीवी इक्वल्स टू ए डी टी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर एक्सेलेरेशन जो है, एक्सेलेरेशन किसका, यहाँ पे एक्सेलेरेशन या तो टाइम का फंक्शन होगा, हियर एक्सेलेरेशन इज आइदर फंक्शन ऑफ टाइम और व्हाट, कांस्टेंट और कांस्टेंट। तो एक्सेलेरेशन टाइम को इंटीग्रेट करो टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा एक और बात, एरिया अंडर एक्सेलेरेशन टाइम कर्व क्या देगा, एरिया अंडर एक्सेलेरेशन टाइम कर्व क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर एक्सेलेरेशन टाइम कर्व क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये सब डिस्कस करेंगे ना, आज इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में इसके बाद चर्चा करेंगे, ठीक है।